आज हम बनाएंगे सिर्फ दो चीज़ों से एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता बनके एकदम क्रिस्पी तैयार होता है और घर के कम सामानों में आप ये नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज की एक कटोरी सूजी ली है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। दो मीडियम साइज आलू को मैंने छील के कद्दूकस कर लिया और 3 से 4 बार अच्छे से इसे धो लिया है। तो अब हम पानी से निकाल के अलग रखेंगे। इस तरीके से सारा पानी निचोड़ के इसे हम प्लेट में रखेंगे। गैस जला के मैंने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप अपने पसंद के ऑयल में बना सकते हैं। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो तेल हमारा अच्छे से गर्म है। सबसे पहले हम थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे और जीरा अच्छे से चटक जाए तो जीरा हमारा अच्छे से भुन गया है, कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप लहसुन प्याज खाते हैं तो वो भी तड़के में ऐड कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट लगे हैं। तड़का हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, मिर्च फ्राई हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे कद्दू कटी हुई आलू और इसे अच्छे से तड़के के साथ मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच किचन किंग पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम मसाले के साथ आलू को थोड़ा फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक चलाते हुए। तो लगातार चलाते हुए मैंने आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया। आलू आप देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट हो गई है और भुन भी गई है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पहले 1 कटोरी डालेंगे। तो जिस कटोरी से आप सूजी लें उस कटोरी से आप 2.5 कटोरी पानी डाल दें। तो मैंने 2.5 कटोरी पानी डाल दिया है। आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक 1 छोटी चम्मच। आप जैसे खाते हैं कम ज़्यादा उस हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 उबाल आने तक हम वेट करेंगे। तो आलू में हमारे उबाल आ गया है और अच्छे से आलू हमारी कुक भी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे जो 1 कटोरी सूजी रखे थे वो भी, और सूजी डाल के एकदम कंटिन्यू लगातार हमें चलाते रहना है, नहीं तो इसमें गुठली पड़ सकती है। और चलाते हुए इसे पका लेना है। तो सूजी को लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी अच्छे से डो के फॉर्म में आ गई है। अब हम इस समय गैस को बंद करेंगे और सूजी को थोड़ा समय ढककर रख देंगे, थोड़ा ठंडी हो जाए। तो सूजी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम हाथों में थोड़ा ऑयल लगाएंगे कि सूजी चिपके ना, और अच्छे से मसल के इसे डो जैसा चिकना बनाएंगे। ये नाश्ता बनाना बिल्कुल आसान है। आप बारिश हो या ठंडी हो या आपके घर में मेहमान आने वाले हों, फटाक से नाश्ता बना कर तैयार कर सकते हैं। आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो एकदम परफेक्ट डो हमारा तैयार हुआ है। ना बहुत ज़्यादा मुलायम है और ना बहुत ज़्यादा सख्त है। इसी तरीके का हमें डो चाहिए। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें से सूजी लेंगे और बॉल्स, इसका छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। इस तरीके का हम सारे बॉल्स बना लेंगे। तो मैंने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाए तो आसानी से बन जाते हैं और हाथों में चिपकते भी नहीं हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस जला के कढ़ाई को रख दिया था और इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म है। आप अपने पसंद के ऑयल में बना सकते हैं। अब हम एक एक करके नाश्ते को डाल देंगे आराम से। तो नाश्ते को डाले कम से कम 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा नाश्ता हमारा ऊपर आने लगा है। तो अब हम इस साइड से उस साइड पलट देंगे और चलाते हुए दोनों साइड अच्छे क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो नाश्ते को डाले हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। नाश्ता हमारा बढ़िया से तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन। नाश्ता डालने के बाद 2 से 3 मिनट इन्हें टेचना करें। 2 मिनट के बाद अच्छे से इन्हें पलटना शुरू करें और उलट पलट के चारों साइड अच्छे से इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लें। तो अब हम इस नाश्ते को बाहर निकालेंगे और जो बाकी का बचा हुआ नाश्ता है इस तरीके से बना लेंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम।